इलाहाबाद के सीएमपी पीजी कॉलेज के एलएलबी छात्र सत्येंद्र प्रताप की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई है। हत्यारों को 50 लाख की आर्थिक सहायता व्यवस्था न होने पर प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न किए जाने पर आज छात्र संघ अध्यक्ष ऋषभ सिंह यादव के नेतृत्व में सीएमपीजी कॉलेज के सामने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका गया और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की, राष्ट्रपति शासन लागू करने की छात्रों की मांग भी की। इस कार्यक्रम में अन्य छात्र नेता भी उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री अभय राज यादव, रोहित, राहुल पटेल, विकास, विवेक, आकाश शिवम, कई अन्य छात्रगण उपस्थित थे। प्रदेश सरकार का इसलिए पुतला दहन किया कि हम लोगों के बीच हम लोगों का साथी स्वर्गीय सत्येंद्र प्रताप सिंह, जो सीएमपी डिग्री कॉलेज एलएलबी फर्स्ट ईयर का छात्र था, जो कि उसकी 3 दिन पहले जारस टाउन थाने से 200 मीटर के अंदर उसकी दिन दहाड़े 8 बजे हत्या कर दी गई, और अभी हत्या करने वाला आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। और हम लोगों की सरकार से मांगे थी कि पीड़ित के परिवार को 50 लाख रुपया का जुर्माना दिया जाए, मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार को कड़ी सुरक्षा दी जाए, लेकिन अभी तक ना कड़ी सुरक्षा मिली, ना परिवार को मुआवजा मिला, ना कि सत्येंद्र प्रताप सिंह के हत्यारों की गिरफ्तारी हुई। इसलिए आज हम लोगों ने सीएमपी डिग्री कॉलेज, उत्तर प्रदेश ब्यूरो न्यूज़।